श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास में अधिक मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या तिथि भी पड़ रही है और इसी दिन अधिक मास का अंतिम दिन पड़ रहा है और सावन मास का प्रारंभ हो जाएगा। इसी शुभ मिलन की तिथि पर ही बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है और इसी विशेष तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। पूज्य गुरुदेव ने अपनी अभी जो कथा चल रही है उसमें बहुत ही विशेष रूप से 16 अगस्त को करने के लिए कहा है इस उपाय को। यदि आपने अपने जीवन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने व्रत, उपवास, पूजा पाठ, उपाय और नाना प्रकार की क्रियाएं कर ली, परंतु फिर भी आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो अभी तक अधूरी है और आप चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए, तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से ना केवल आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का भी और आपके पितृगण सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आपको करना है 16 अगस्त अमावस्या तिथि पर। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके, समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अब हम जान लेते हैं कि करना क्या है। तो दोस्तों, आपको लेना है एक कनेर का पीला पुष्प, ठीक है? आपको कनेर का पीला फूल ले लेना है। आप एक भी ले सकते हैं, आप पाँच भी ले सकते हैं, जितने मर्जी आप ले लें उतने ले लें, लेकिन एक पुष्प तो लेना ही लेना है, ठीक है? तो एक कनेर का फूल ले लिया आपने पीला, ठीक है? और आपको ये आसानी से कहीं भी मिल सकता है, ठीक है? आपने एक कनेर का फूल ले लिया, साथ में लेना है आपको 2 लोटा जल। जी हाँ, अलग अलग पात्रों में लेना है। बेशक से आप एक स्टील में ले लीजिए, एक तांबे के पात्र में ले लीजिए, लेकिन लेने आपको 2 लोटे जल ही हैं। और ये एक पुष्प और 2 लोटे जल को लेके आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है? तो जैसे ही आप मंदिर आ जाएं, फिर जो आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। तो जो कनेर का पुष्प है वो आप ले आए, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। फिर इसी कनेर के पुष्प को उठा करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। तो इतना आपने कर लिया। इसके बाद 2 लोटे जल जो आप लेके आए हैं उन्हें आपको अपने हाथों में लेकर एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। पतली धारा के साथ आपको इस जल को अर्पित कर देना है एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। 16 अगस्त को आपको जो मांगोगे 24 घंटे के भीतर ही आपकी जो भी कामना होगी, आपकी जो भी इच्छा होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है जो आपकी किस्मत की लकीरों को बदल देगा। बस इतना सा उपाय आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। ये उपाय रंग को भी राजा बना सकता है, इतना अधिक प्रभावशाली ये उपाय है जो आपको करना है अधिक मास के जिस दिन विराम लग रहा है, यानी कि अधिक मास की अमावस्या तिथि पर और सावन मास के परम वाले दिन पर आपको बस इतना सा उपाय करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।